खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। सीधा सवाल की टीम पहुंच गई है ताज की नगरी आगरा में। पेठे के लिए मशहूर है, जुबान पर पेठे की मिठास जरूर आगरा वासियों के होती है, लेकिन यकीन मानिए तीखे सवाल इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आगरा वासियों। देखिए, आप जानते हैं कि आज पहले चरण की वोटिंग हुई, कई जगह पर कुछ और देर तक ये वोटिंग चलने वाली है, लेकिन कई जगह पर 5 बजे ये वोटिंग, यानी अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वोटिंग पर फुल स्टॉप लग गया है पहले फेज की। लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो सकती है। इस बार शानदार तरीके से लोग घर से बाहर निकले हैं और अपने मनपसंद उम्मीदवार को चुना है। इसीलिए एक बार फिर से आप सभी का जोरदार तालियों से मैं अभिनंदन भी करना चाहूंगी और हिंदुस्तान के उन तमाम वोटर्स का अभिनंदन करना चाहूंगी, क्योंकि आगरा जहां पर हम मौजूद है यहां पर दूसरे फेज में यानी 18 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है और ऐसे में जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है, 3 बजे तक हमारे पास आंकड़ा आया, अभी कुछ ही देर में 5 बजे जो है वो 5 बजे या 5:15 बजे के आसपास जो है क्लियरली पता लग जाएगा कि कहां इन 8 सीटों पर किस तरीके से वोटिंग पैटर्न रहा है, कितना परसेंट वोटिंग हुई है, ये हम आपको 5:15 बजे तक बता देंगे। लेकिन 3 बजे तक का जो आंकड़ा मेरे पास आया है वो ये बताता है कि अब तक 51% वोटिंग हो चुकी है। अब जरा आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पिछली मर्तबा जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो वोटिंग प्रतिशत क्या रहा था और इस बार 3 बजे तक क्या रहा है, ये टेबल आपके सामने है। गाजियाबाद में देखिए 2014 में 56.94% और 3 बजे तक 47%, यानी आंकड़ा जा सकता है 2 घंटे में गजब की वोटिंग हो सकती है। गौतम बुद्ध नगर लगभग 60% रहा और 49% जो है वो 3 बजे तक 2019 में। बागपत में देखिए 66.75% और 3 बजे तक इस बार 51.2%। मेरठ में 63.12% और अभी 3 बजे 2019 में मेरठ में 51% हो चुकी है। बिजनौर देखिए आप 67.88% और 2019 3 बजे तक 50.60 यानी 60। कैराना में देखिए 73% वोटिंग हुई थी, 0.10 आप जोड़ना चाहें तो, और 3 बजे तक 52.40% वोटिंग हो चुकी थी। सहारनपुर में देखिए आप रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग पिछली मर्तबा 2014 में हुई थी 74.26% और इस बार 3 बजे तक का आंकड़ा कहता है कि 54.18% वोटिंग हो चुकी है। तो कुल मिलाकर पिछली मर्तबा 66.52% वोटिंग हुई थी इन 8 सीटों पर वेस्टर्न यूपी की और इस बार 3 बजे तक 50.6 जो है वो प्रतिशत वोटिंग हुई थी। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका जोरदार तालियों से मैं चाहूंगी आप स्वागत करें। सबसे पहले प्रीता हरित का मैं स्वागत करना चाहूंगी जो यहाँ पर कांग्रेस की उम्मीदवार है। प्रीता जी बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत। राम प्रताप सिंह चौहान साहब है जो कि बीजेपी के विधायक है। हमारे साथ वाजिद निसार साहब है जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है। तो राम प्रताप सिंह साहब एमएलए, आप तो मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी, जरा ये बताइए ज्यादा वोटिंग हो रही है, फायदा किसको नुकसान किसको? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा है, जो पिछली बार वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा था उसी से हम लोग की जीत हुई थी और मोदी जी में विश्वास है जनता का, इसीलिए आज घर से निकलकर ज्यादा वोटिंग कर रही है। तो मुझे लगता है कि अभी तो आगाज है, अभी अंजाम देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी ज्यादा इस देश के अंदर सीट लाने वाली है। बताऊं सर आपको एक बात, जो विनिंग पार्टी थी ना 2009 में, आंकड़ा लेकर बैठी हूँ, बीएसपी थी, उस वक्त वोटिंग हुई थी 63.25, फिर ज्यादा वोटिंग हुई तो फायदा बीजेपी को हुआ, फिर उससे भी ज्यादा अगर वोटिंग होगी तो बताइए साहब किसको फायदा होगा? निसार साहब माइक लीजिए। गठबंधन को सबसे बड़ा फायदा होगा, जितना वोट परसेंटेज बढ़ेगा उतना गठबंधन को फायदा होगा। उसकी वजह है कि जो 2014 में वादे किए थे जनता के, वो वादे पूरे नहीं हुए, उस गुस्से को उतारने के लिए जनता बूथ पर वोट डालने के लिए जा रही है।
रीता जी ये भी तो हो सकता है, सवाल का जवाब यहाँ जिस तरीके से नारे लगाने लगेंगे, यहाँ जिस तरीके से नारे लग रहे हैं, सवाल का जवाब हो सकता है कि काम से प्रसन्न होकर तादाद में जो है जनता निकल रही हो वोट करने के लिए, ये भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं है, जनता त्रस्त होकर ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए निकल रही है, क्योंकि पिछले 10 बरस में यहाँ कोई काम नहीं हुआ आगरा में, और अब सब लोग अपने वोट करने के अधिकार का इस्तेमाल करके उसी पार्टी के उसी के पक्ष में वोट देना चाहते हैं जिनसे उसे उम्मीदें हैं, जिस पार्टी ने हमेशा इस देश के गरीब दलित तबके को हमेशा सहारा दिया है, उसका सम्मान किया। आगरा दलितों का गढ़ है, मुसलमानों का गढ़ है, और इसीलिए मैं पीछे से शुरुआत करने वाली हूँ। जरा ये बताइए पीछे काहे जा रहे हैं आप लोग, हाँ मैं आपको अग्रिम पंक्ति में लाना चाह रही हूँ, आप लोग पीछे पीछे चले जा रहे हैं, बताइए कुछ तो कहिए, आइए जनगण मना पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात बताइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगरा एकदम शानदार जानदार जगह है। जी मैम बिल्कुल शानदार जगह है, दिक्कत ही नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ना आलू के किसानों को दिक्कत है, ना यमुना के सूखे पानी का दिक्कत है, ना यहाँ सड़कों पे लग रहे जाम का दिक्कत है, ना बिजली का दिक्कत है, ना खारे पानी का दिक्कत है, दिक्कत ही नहीं है मैम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, हाँ कोई दिक्कत ही नहीं है मैम। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं है, और आगरा पॉल्यूशन में टॉप 10 में आ चुका है, ना रोड नाली कोई भी कोई सुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री पिछली बार 2014 में आए थे कि हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देंगे और एयरपोर्ट देंगे, कोई वायदा पूरा नहीं हुआ, कोई वायदा पूरा नहीं हुआ, पूरा हुआ सारे वादे पूरे किए मोदी जी ने, कैसे गिनाइए ना सर, ये सब किसानों को पैसा दे रहे हैं, इन्होंने क्या किया, घोटाले वायु सरकार थी खा रहे, आप किसान है, हम किसान है, क्या होगा तो दिखाइए, आइए आइए मैसेज दिखाएंगे, कल ही 2000 रुपए आए, हाँ अच्छा ये आप आपके खाते में आए हैं, ये देखिए कल ही 2000 रुपए, तो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं हम भी खाते में आपके 72000, ये 72000 क्या रहेंगे, आज तक घोटाले करते चले जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बताइए, हाँ आ रही आ रही आ रही आ रही, हाँ जो प्रत्याशी भर रहा है ये उल्टा बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, आगरा के अंदर लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, नगर निगम बीजेपी की है, फिर भी आगरा की जनता गंदा पानी पीने पर मजबूर है, गंदा पानी पिलाएंगे और वोटों की फसल उगाएंगे, गंगा जल आ गया मैडम आगरा में, अभी गंगा जल आ चुका है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, उसके काम चल रहा है, जो ये लोग नहीं कर पाए इतने वर्षों में, योगी की सरकार ने 2 वर्ष के अंदर आगरा में गंगा जल लाने का काम किया है, गंगा जल का श्रेय लोगों पर, मुझे बड़ी ताजी, गंगा जल का श्रेय राज बब्बर ने किया है, ये नहीं गलत बात जानकारी मत दीजिए दोनों लोग, ये गंगा जल की शुरुआत सपा बसपा के सरकार में हुई, अच्छा। और गंगा जल 2017 में आगरा को मिलना था, वो लेट हुआ सुप्रीम कोर्ट की वजह से, वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से लेट हुआ जो 2019 में आया, गंगा जल कौन, गंगा जल मोदी जी, ये सवाल नहीं पूछे, गंगा जल कौन लाया, अखिलेश भैया और बहुजन समाज पार्टी गंगा जल लेकर सहारनपुर से, गंगा जल कौन लाया, कांग्रेस का तो पता भी नहीं था भाई, 30 साल से सरकार में नहीं है, कांग्रेस कहाँ से ले आएगी, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, गंगा मैया का पावर देखिए कि वो देश के प्रधानमंत्री को बुलाती है, अरे अखबार कह रहे हैं मैडम, अखबार में छपा है आधी जनता पानी से अभी प्यासी है, घोषणा करते थे, घोषणा नहीं, ये पेंट 30,000 करोड़ रुपए सपा बसपा ने बच्चों को कहते थे तुम्हें मैं आज कपड़े दिलाऊंगा, पेंट शर्ट 2 रुपए देते थे, आज मोदी और योगी की सरकार ने पैसा मुक्त किया है, केवल घोटाले के अलावा भ्रष्टाचार के अलावा समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया, गुंडागर्दी पत्रकारों के ऊपर हमला करने का काम इन लोगों ने किया, पत्रकारों के 2000 पे हमला किया, ये तो वो सरकार है कि बंद दुकान तुम्हारी और खुली हमारी, एक गुंडा भी केवल समाजवादी गुंडे और गुंडों के अलावा कुछ नहीं, और कौन प्रत्याशी, आज आप देख लो इनका नाम पूछो, इनका काम पूछो, धाम पूछो, ये लोग आगरा से क्या नाम बताइए, धाम बताइए, राज बब्बर ने इतना काम किया था तो यहाँ से वहाँ क्यों जाना पड़ गया, तो राज बब्बर जी ने काम तो किया था ना, काम तो उन्होंने ही किया था,
गंगा लाने का पानी का लाने का काम उन्हीं का है और उसके बाद दस बरस लड़े थे कि सपा पानी लेकर आया केवल जनता को लूटने का अपहरण होते थे इसी समाजवादी पार्टी के सरकार में और मैनपुरी में ये लोग फिरौती फुसलते थे इनके गुंडे इनके नेता खुद वसूली कराया करते थे ये वो सरकार है आप देखिए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यहाँ सड़क हिले हुए सड़कों की हत्या हुई लेकिन आने के बाद योगी की सरकार सारी गुंडागर्दी खत्म हुई है आगरा का नतीजा भी साथ साथ बता रहे हैं पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी को 55% मिले थे आज अगर एसपी और बीएसपी साथ है तो दोनों के आगे जोड़ दें तो 39% जो है वो 2019 मिल रहा है हाँ 2019 में 80% सुनिए सही दिन एक नगर में जाके देखिए कितना गंदा पानी है गंगा जल किधर से आया अरे मैडम गंगा जल आ गया है थोड़ा सा इंतजार करो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है थोड़ा सा इंतजार कर लो जो कुछ नहीं कर पाए वो मोदी ने करके दिखा दिया है कुछ नहीं कर पाए जवाब दीजिए ना सर जवाब दीजिए अच्छा मैं आपको साफ पानी चाहिए ना जवाब तो ले लूँ मैं सर खाली बोलते मत रहिए मुझे सिलसिलेवार तरीके से बताइए साफ पानी के लिए आप लोगों ने किया क्या? देखिए गंगा जल हमारी सरकार में आया तमाम अड़चने थी पैसा नहीं दिया था योगी जी ने उसके लिए पैसा दिया। यमुना जी जा रही है आपके यहाँ से और आप गंगा बुला रहे हैं अभी 900 करोड़ यमुना जी सूख रही है आपको एक वर्ष के अंदर आपको यमुना गंगा की तरह मिलेगी और इनकी नेता ने तो गंगा में आचमन करके अपनी यात्रा शुरू की थी आचमन गंगा में किया था। सुनिए मेरी बात आपको पता है जमुना सूख रही है मछलियां मर रही है आपको पता है ना कि ताजमहल जिसकी वजह से आप फक्र से सीना चौड़ा करते हैं और सर ऊंचा करके खड़े रहते हैं उसकी नीम लकड़ी की है बता रहा हूँ जैसे जैसे सूखेगी वैसे वैसे ताजमहल परेशान होगा आगरा परेशान होगा कुछ परमिशन उसकी फंसी हुई है जल्दी यहाँ बैराज होगा और ये ताजमहल के पास होगा जिससे नीम जो है पानी अच्छा जाएगा जल्दी बैराज होगा ये केवल जो है मिलेगा आपको ऐसे नहीं होता अभी रुक जाइए माता जी पानी पी लीजिए रुक जाइए माता जी कौन है जरा पता तो कर लो ये कांग्रेस की प्रत्याशी के साथ पब्लिक पोल मुझे ये बताइए बीजेपी ने यहाँ काम किया कि नहीं किया इधर भी घुमा दो उधर भी दो अलग अलग राय मोदी करने से नहीं मुझे बताइए काम किया कि नहीं किया यहाँ पर काम किया और दूसरी बात ये राहुल गांधी जी बोलते हैं कि 72,000 रुपए सभी को देंगे तो इनसे जरा ये पूछिए कि 72,000 रुपए कहाँ से लाएंगे हेराल्ड कॉलगेट वाले केस करके अरबों करोड़ों घोटाला करके बात जैसे आप 15 लाख के वादे करे थे ना वैसे हम असलियत में 72,000 देंगे आपने जीडीपी देश की गिरा दी 2% जीडीपी बढ़ गई है नुकसान हुआ करो पेट्रोल बढ़ के आओ अरे पढ़ के आओ जीडीपी बढ़ गई है हाँ आपके पास आ गई सर मैं आपके पास आ गई मैं उधर आती हूँ हाँ बताइए आगे आइए बड़े भगवा में ही हो रहे हैं आप मैं सबसे पहले इस महागठबंधन से ये पूछना चाहूंगा कि ये अपने प्रधानमंत्री का नाम बताएं कि ये प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे बताइए भाई अरे आप महागठबंधन में कहाँ हैं महागठबंधन में तो सपा और बसपा है रुक जाइए प्रधानमंत्री का राहुल गांधी ही बनेंगे हाँ भाई बताइए प्रधानमंत्री का राहुल गांधी ही बनेंगे अरे निसार साहब बताइए ना बनेंगे प्रधानमंत्री तो निसार साहब आप उस पार्टी जो बनेगा वो यूपी का बनेगा एक सेकंड जो प्रधानमंत्री तो यूपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है यूपी से बनाएंगे यूपी राहुल गांधी का भी है यूपी से बनाएंगे यूपी मायावती का भी है अरे यूपी से कौन आज तक देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री यूपी ने दिए एक बार फिर यूपी ने देंगे 2019 का प्रधानमंत्री ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है हम लोकल हम आगरे के मुद्दों की बात कर रहे हैं ना
हम आगरे मुद्दे की हमारे प्रधानमंत्री जी कह गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, गंगा साहब कह गए गंगा जल मिलेगा, विकास होगा, गंदगी किराए खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हम लोगों को ये जवाब मांगना है। निसार साहब रुक जाइए, अब मैं अपना सवाल पूछ लूं। चार ऑप्शन दे रही हूँ, चुनिएगा। यूपी से राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव। देखिए हम लोग मुलायम सिंह यादव, हम जिला स्तर की अखिलेश यादव, हमारी मायावती, हम जिला स्तर की राहुल गांधी। ये राष्ट्रीय मुद्दा है सर, ये राष्ट्रीय टोपी का वास्ता चुन लीजिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, लाल टोपी का वास्ता क्या करेंगे, साइकिल और साथी का बताइए ना, ये हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बताएंगे, राष्ट्रीय नेता बताएंगे, दिल की इच्छा बता दीजिए, हम लोकल की बात करेंगे। हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए, हमें जमुना में जहाज चाहिए, हमें प्रदेश चाहिए, हमें स्वच्छ पानी चाहिए, हमें अपराधी मुक्त प्रदेश चाहिए। प्रेमपति महा, प्रेमपति महा, ये आप तो प्रियंका गांधी की तरह ये बैंड बैंड लगाई हुई है। बोलो बेटा, बोलो। बताइए, आगरा में रहने वाली हूँ। आगरा में रहते हैं सर, घर यहाँ पे मंडी चक्का में रहते हैं। बताइए कौन जीत रहा है? अब देखो जो बताए ऊपर वाला। अरे अरे, ये गुटबाजी ठीक नहीं है भाई। आप तो फतवा जारी कर रही हैं, आप फतवा जारी कर रही हैं। ये चलेगा नहीं। आगरा हिंदुस्तान में फतवे नहीं चलते हैं। आगरा एक विश्व प्रसिद्ध नगरी है। आगरा के दोनों सांसद, 9 विधायक, मेयर, जिला पंचायत सब बीजेपी का है। और विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो आगरा में बताया कितना विकास हुआ। एयरपोर्ट है, हाईकोर्ट की डिमांड, मेरे संग चलो, अभी मेरा साथ चलो, मैं हाईकोर्ट की डिमांड वर्षों से पड़ी हुई है। आगरा में सड़क देखने का नहीं है, और जो विकास की बात कर रहे हैं, नितिन गडकरी आए थे तो स्टीमर चलाने की बात की थी, जहाज चलाने की बात की थी, आज कहाँ है? और सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पे एक परसेप्शन क्रिएट किया। अरे राष्ट्रवाद में तो जीते हैं और मरते हैं। अरे पहले ये लोग क्या राष्ट्रवाद करेंगे? अगर ये क्या जानेंगे राष्ट्रवाद में? हम तो राष्ट्रवाद के लिए जीते हैं। 45 सीटों में मोदी ये क्या जानेंगे राष्ट्रवाद को? अरे खासा तुम नहीं जानोगे राष्ट्रवाद को? राष्ट्रवाद को तो भाजपा का कार्यकर्ता जानेगा। खासा तुम क्या जानोगे? तुम नहीं समझ पाओगे। उस्मान भाई तुम नहीं राष्ट्रवाद जानोगे, हम जानते हैं राष्ट्रवाद को। लेकिन अब तो पाकिस्तान ने भी बोल दिया कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान में मिठाई बटेंगी, पटाखे फोड़े जाएंगे। पहले हम रुजुक जारी करते थे, अभी राष्ट्रवाद सिखा रहे थे। राष्ट्रवाद की बात कौन कर रहे हैं? जो आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी आजादी की लड़ाई में। क्या बात करते हो, शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। तो दुनिया में टॉप 15 शहर जो प्रदूषित है उसमें 14 भारत के हैं। मोदी ने ये स्थिति कर दी है हिंदुस्तान की, वाराणसी विश्व में तीसरे नंबर पर प्रदूषित है। ये मोदी विकास करेंगे? हाँ। अच्छा वैसे एक कायदे की बात सुन लीजिए प्लीज। ये बहुत बहुत कायदे की बात है। ये जो एक उंगली आप उठा रहे हैं नेताओं की तरफ, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी की सिर्फ बात नहीं है, बात इसमें बाकी सारे नेताओं की है। प्रदूषण करता कौन है? आप नहीं करते, मोदी जी आके कचरा फैलाते हैं। बताइए ना, हाँ राहुल गांधी जाके अमेठी में कचरा करते हैं, कचरा कौन करते हैं? थोड़ा सा आप लोग स्वच्छता में थोड़ा सा तो योगदान देंगे ना। मोदी जी यदि कचरा नहीं फैलाते तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्शन क्यों करते हैं कि ओपन डेफिकेशन जो है फ्री कर दिया, आगरा में डबल ODF का सर्टिफिकेट दे दिया। आगरा में मैं आपको वो गलियां दिखा सकती हूँ जहाँ आज भी लोग खुले में शौच करते हैं। मैडम कभी आगरा आए नहीं है? नालियों ने गलियों की जगह ले ली। आप चैलेंज करके दिखा रहे हैं, चैलेंज आपको नहीं कर सकती है। ओपन डेफिकेशन देखा भी दिया, आप देखिए महिलाओं सम्मान देने का काम किया मोदी ने। 98% घरों में जो खुले में महिलाएं शौच को जाती थी, मसाले देने का काम किया है। इन लोगों को पता नहीं, न बसपा का प्रत्याशी को पता, न कांग्रेस प्रत्याशी को पता। कभी आगरा से इनका कोई लेना देना नहीं रहा है। विधायक जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आपको बड़ी प्रॉब्लम है कि ये गुड़गांव से और हरियाणा से आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी कहाँ से आए थे? मोदी का
मुकाबला ये लोग क्या करेंगे। मोदी कर ने पूरा देश देखा था लोकतंत्र बनारस में कोई किसी भी जगह से चुनाव लड़ गए थे। ये चुनाव लड़ने पहली बार आई है मोदी, पहले भी बनारस में रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। तमाम मेरी बात कर रहे हैं आप, एक सेकंड विकास की बात कर रहे हैं भाजपा वाले। हम शहीद स्मारक पकड़े, शहीद स्मारक, ये शहीद स्मारक है हमारी शान बान। यहाँ के हालात देख लो, यहाँ के पेड़ पौधों के लिए पानी नहीं है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पर देख लो, आप देखिए यहाँ पानी की व्यवस्था, यहाँ शौचालय, यहाँ यहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है। ये विकास है, ये विकास है। निसार साहब, पतझड़ का मौसम चल रहा है, पेड़ से पत्ते तो झड़ेंगे ना। पतझड़ अभी नहीं आया मैडम, ना ना ना, पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना पौधों के लिए। एक चीज बस, कांग्रेस और सपा के प्रत्याशी हैं, विधानसभा में दोनों साथ लड़ते हैं, लोकसभा में अलग लड़ते हैं। प्रधानमंत्री नाम नहीं बताते जो कह रहे थे राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, घर को छोड़ के आज लग जाते हैं। मैडम ये सवाल मुझसे है, टू जी नहीं होता, कोयला घोटाला नहीं होता। मैडम ये सवाल मुझसे है, प्रधानमंत्री के नाम के ऊपर कोई नहीं है जी। वैसे मैडम ये सवाल मुझसे, जवाब ले लूं। वैसे भाई साहब, अलग अलग चुनाव तो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना भी लड़े थे। एक मिनट मैडम, मैडम मैडम मैं जवाब देता हूँ, मुझसे सवाल है, जवाब दीजिए। सुनिए, मेरे से सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूँ। नीतीश को, नीतीश गठबंधन से लालू से लड़े और सरकार मोदी के साथ बन के टूट के बन रही है, इसको कौन सा गठबंधन कहेंगे? और आपने जो राहुल गांधी को धोखा दिया, वो हमने कोई धोखा नहीं दिया, हमने क्या धोखा दिया राहुल गांधी को? पहले साइकिल पे बिठाया, हमारा गठबंधन पहले साइकिल पे बिठाया, लोकसभा में फिर कहा पंचर होगी निकल जाओ, ना ना ना, उसके बाद हाथी को बिठा दिया। इस उत्तर इस हिंदुस्तान के अंदर भाजपा की 42 पार्टियों से गठबंधन है, 42 पार्टियों से गठबंधन है। प्रीता जी, ये आपकी विचारधारा के लोग हैं, सीट आपको एक नहीं दी, गठबंधन में परसेंट आपको एक नहीं दिया, कल को अगर आपको साथ आना पड़ा तो आ जाएंगे? देखिए, ये ऊपर ये टॉप लीडरशिप के फैसले हैं, इसमें मेरा काम, मैं एक पार्टी में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हुई हूँ, मैं पार्टी का एक बहुत छोटा सा टूल हूँ, मेरा काम है कि पार्टी को सीट जिता कर देना, बाकी पार्टी के फैसले पार्टी करेगी कि पार्टी किसके साथ बाद में गठबंधन करती है, और ये उनका स्वैच्छिक मामला है। मतलब अभी भी आपने ओपन डोर रखे हुए हैं, दरवाजे बंद नहीं किए। इनसे एक सवाल 73 से कहीं बहुत नीचे ना आ जाए, वो तो और वो भी महागठबंधन की वजह से 73+ होगी। लेकिन आप पूछिए, यहाँ ये समाजवादी पार्टी के बसपा का अगर कोई कार्यकर्ता हो तो आज मायावती अगर इस दुनिया में है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण। इन लोगों ने तो गेस्ट हाउस में उनको मार दिया होता, उन्होंने ही आरोप लगाए थे अपनी इज्जत तक पे। ये वो लोग हैं आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे वीर नेता, अगर ब्रह्मदत्त देवी जो ब्रह्मदत्त त्रिवेदी की आत्मा भी होगी, ये लोग तो ऐसे हैं जिसकी हत्या करना चाहते थे, जो ब्राह्मण रहते थे जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने किया, हमारे दो गठबंधन। विधायक जी और निसार साहब, आप दोनों मेरा सवाल, सर मैं बातचीत कर लूँ, एक सेकंड रुकिए, मेरा सवाल आप दोनों से है, तारीफ मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद में करते हैं, आप दोरे बहुजन समाज पार्टी पर डाल रहे हैं, चल क्या रहा है? हमें डोरे डालने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट बहुमत आएगा, लेकिन अच्छे व्यक्ति की, मुलायम सिंह यादव भले ही दूसरे दल के हों लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं, हम मुलायम सिंह जी के बारे में खराब नहीं बोलेंगे। ये तो इनका बेटा अखिलेश यादव था जिसने मंच पे अपने पिता की बेइज्जती करी थी, भाजपा में यह संस्कार नहीं है। ये झूठ गलत बेइज्जती भाजपा ने करी, इसका वीडियो आडवाणी जी की बेइज्जती भाजपा ने करी, जिस आडवाणी जी ने भाजपा को दो सीटों में पहुंचा दिया, आज उनका टिकट काट के उन्हें घर पे बिठा दिया, ये आचरण है भाजपा का, ये आचरण है भाजपा का। मैं देश की जनता से एक अपील करना चाहूंगा कि ऐसी पार्टी को वोट ना दें जिससे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सपोर्ट करता हो, जिस पार्टी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सपोर्ट करता हो उस पार्टी को वोट ना दें, भारतीय जनता पार्टी से बचे। आचार संहिता एक सेकंड, वैसे नवजोत चिंता मत करो, डर के मारे भी करता है जब भी देता है।
अरे डर के मारे डर के अंदर आपको बेदखल कर दूंगी, मुझे अपना शो करने दीजिए। ये नवजोत सिंह सिद्धू किस पार्टी से हैं? कांग्रेस के वो पाकिस्तान के निमंत्रण पर गए थे और गले नवजोत सिंह सिद्धू किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी नेता बाजवा को गले किसने लगाया? बिरयानी खाने कौन गया पाकिस्तान बिना बताए? जन्मदिन किसने मनाया? केक किसने काटा? 2018 और 19 की बात करेंगे भाई साहब। आज 2019 में इमरान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री किस पार्टी को सपोर्ट करता है ये देश को सोचना होगा। हमें चाहिए नहीं तुम सपोर्ट करते हो, हमें चाहिए ही नहीं सपोर्ट करना। दोस्त कौन है? नरेंद्र मोदी का दोस्त पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? जवाब दीजिए प्रीता जी, जवाब दीजिए। देखिए 2019 में इमरान खान तो कांग्रेस का भी सपोर्ट कर रहे थे। देखिए हमारा जो भारत का प्रधानमंत्री बनने वाले हैं राहुल गांधी बनने वाले हैं, सीधी सी बात है। राहुल गांधी 2019 में, इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। आगरा में जमानत नहीं बच रही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, आगरा में जमानत जब्त होगी, आगरा में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी, निकलेंगे हमसे। कितना भी समझ में आती है उम्मीदवारों का फैसला आप कैसे कर सकती है, कैसे कर सकती है? हाँ कैसे कर सकती विधायक जी, इनका सुन लीजिए। उम्मीदवारों का फैसला प्रीता कैसे कर सकती हैं? नहीं नहीं ये देखिए जनता का, आप कहीं भी चली जाइए, आप लोग जागरूक है, आप जानते हैं, आप जहाँ जाएंगे आपको मिलेगा मोदी मोदी। कहा कि मोदी का क्यों उन्होंने समर्थन कर दिया? अरे उसका व्यक्तित्व है जो बराक ओबामा को बराक कह के बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने हमारे शिखर सम्मेलन में ये बात कबूल की कि हमें चिंता है कि बहन जी और समाजवादी पार्टी एक साथ आ गए हैं। चिंता समाप्त हो गई ना, जनता ने चिंता समाप्त कर दी, जनता ने इनके गठबंधन को, इन्होंने लड़कों का साथ पसंद किया था राहुल गांधी के साथ 47 पे अटक गए, अब ये इन्होंने फिर किया। कुछ नहीं है इनके पास, कोई सौदा नहीं है इनके पास। हमारे गठबंधन से बसपा के सपा के कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी आगरा के अंदर इनके तमाम नेता भाग गए, इनके नेता भाग गए, गठबंधन से ऑन एयर देश में घूम घूम के ऑन एयर। बाकी हिंदुस्तान की जनता है ना विधायक जी और निशान, उनको समझ में नहीं आएगा। एक एक करके आप अपनी बात रखिए तो वो भी समझ पाए और यहाँ बैठी जनता भी समझ पाए। कुछ ले बेरोजगारों का गठबंधन है तो अगर एक एक करके बात सुननी है तो भारतीय किसान यूनियन से आप? नहीं मैं किसान हूँ, सबसे टोपी में लिखा है, पढ़े हैं, मैं किसान हूँ। आज कृपया सभी लोगों से निवेदन है शांत रहिए, ये आगरा की समस्या है। आगरा के अंदर ताजमहल है, ऐसे ही आगरा का पोटैटो विश्व के अंदर मशहूर है। जैसे बॉम्बे में फिल्मी सितारे चमकते हैं उसी तरह से आलू का आगरा वो आगरा का आलू हिंदुस्तान के अंदर चमकता है। लेकिन अभी ये लोग बसपा की सरकार आई 160 किलोमीटर का रोड बना, सपा की सरकार आई 320 किलोमीटर का रोड बना और भाजपा की सरकार आई 600 किलोमीटर का रोड इलाहाबाद से मेरठ तक बन रहा है। लेकिन बनेगा बनेगा प्रस्ताव है, बताइए सर आगे बताइए ना अपनी बात। अगर किसान आयोग का गठन नहीं हुआ, किसान आत्महत्या कर रहा है, आलू का क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगी आगरा के अंदर, जबकि यहाँ जरूरत है, यहाँ जरूरत मालनी की नहीं है, यह ब्रज है, यहाँ जरूरत ग्वालनी की है जो अपने क्षेत्र की समस्या हो। वाकई बड़ी बात है, बड़ी बात है। आलू से याद आया वो राहुल गांधी सोना बना रहे थे ना, क्या हुआ? स्टेटमेंट नहीं था, नहीं क्या हुआ प्रीता? राहुल गांधी का स्टेटमेंट क्या हुआ? वो राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं था, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलता है और इन लोगों ने उसको अडोप में करके उसको बना दिया कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट। राहुल गांधी तो बता रहे थे कि मोदी जी ऐसा कहते हैं आलू के बारे में। प्रीता प्रीता ने क्या रिप्लाई किया विधायक जी? देखिए आलू से सोना आप बना दीजिए, आलू की समस्या मोदी है तो मुमकिन है। हाँ बिल्कुल, बनाइए आलू को सोना, बना देंगे। ये हमारे क्षेत्र के किसान हैं, ये मैं इनकी पीड़ा समझता हूँ। आगरा TTZ का क्षेत्र है, मैंने कई बार प्रयास किया है लेकिन विश्वास रखिए काम शुरू हो गया है। कोसी में 70 किलोमीटर तक TTZ के कारण नहीं लग सकता प्रोसेसिंग केंद्र, लेकिन काम शुरू हो गया, बहा में हो रहा है।
और आलू का इनसे पूछना, आलू कैसे उगता है नहीं पूछ लेना, आलू का रेट क्या है इनसे पूछ लेना, इस बार आलू का क्या रेट रहा इनसे पूछ लेना, आलू का रेट बताइए, इस बार आलू का क्या रेट रहा जब आलू की बात हुई है तो क्लैरिफाई हो जाए, बता दो बात बताइए, आलू आलू का रेट बताओ, आलू आप तीनों के लिए शर्म की बात है, मैं बता रहा हूं को अपनी फसल अपनी सब्जी के लिए आप लोगों के आगे आकर आलू का रेट बता देना, अरे रेट बता दो आलू का सरकार, ये पूछ लो इन लोगों से कि वो फाइल अभी तक आई क्यों नहीं, 400 रुपए में जो प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ पर लग रही थी वो फाइल अभी तक उधर से वापस क्यों नहीं आ रही, लखनऊ क्यों पेंडिंग है, कोल्ड स्टोर मालिक नहीं लगने देंगे, यहाँ के कोल्ड स्टोर मालिक नहीं लगने देंगे, अगर लगता है तो उनका नुकसान होगा, कोल्ड स्टोर इनको गलतफहमी है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कोल्ड स्टोर है, प्रोसेसिंग आलू फेंक कोसी में दोनों स्थान पर लगने वाला है, में भी लगेगा और कोसी में भी लगेगा। 2014 में विकास के मुद्दे के साथ मोदी ने वोट मांगे थे, 2017 में कब्रिस्तान भी जाना पड़ा उन्हें, शमशान भी जाना पड़ा, 2019 आ गया, 19 में विकास की बातों को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे आ गए जिसमें भारत पाकिस्तान विशेष रूप से, इसमें इमरान खान ने स्पष्ट कह दिया, मैं इस बात को बोलूंगा नहीं, वो अखबारों में छप चुका है, कृपया मोदी जी ये बताएं 7 फेज में जो इलेक्शन हो रहा है, 7 फेज में हो रहा है, क्या भाषण में हर बार कोई ना कोई परिवर्तन आता रहेगा या फिर से वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे, ये क्या या क्या? आलू छोड़ आलू मेरे से पूछा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जवाब देता हूँ। देखिए मोदी जी की जो इन्होंने बात करी, मोदी ने जो कहा, मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया है, कोई प्यार करेगा तो प्यार करेंगे और आंख दिखाएगा तो जवाब भी देंगे, ये मोदी ने करके दिखाया है, ये कमजोर हृदय वाले लोग नहीं कुछ कर पाएंगे आगरा में। मैं थोड़ा आगरे की बात करना चाहता हूँ, जानकारी नहीं है विषय राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में चला गया, मुझे तीनों दलों को, हमने तीनों सरकारों को फेस किया है, रोजगार 13 करोड़ लोगों को, 13 करोड़ लोगों को लोन दिया है, जो अपने रोजगार स्वीकार बनाए हैं, आप लोगों का एक्साइटमेंट समझ में आ रहा है, रुक जाइए ना, शांति से कार्यक्रम हो जाने दीजिए, मुझे कार्यकर्ताओं से अलग हटके जनता की एक बात ये तीनों दलों से पूछनी है कि इनका जो हमारे जो चेक होते हैं वो चेक अगर बाउंस होता है तो वो दंडनीय अपराध है, लेकिन जब वादे बाउंस होते हैं तो उस पर कोई दंड आज तक नहीं लगा, तो क्या कभी राजनीति स्वच्छ अभियान भारत में आएगा? और शानदार, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर उन्होंने कस्में खाई, वादे किए और ये कहा कि मैं अगर इन सारे मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा नहीं करूंगा तो आप मुझे जेल भेज दीजिए, मेरे पर कानूनी कार्रवाई कर दीजिएगा। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि ये नेता लोग ऐसा कोई डॉक्यूमेंट क्यों नहीं देते हैं, एक बड़ी सी बुक आपके पास आई है, मैनिफेस्टो आया है किसी के पास, आया आम जनता के पास आया मैनिफेस्टो, से फोटो दिखा देते हैं, बताइए साहब, आप तो कार्यकर्ता है साहब, आपके पास मैनिफेस्टो में 2012 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगले मैनिफेस्टो हाथ में दिया, बेरोजगारी भत्ता देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने दिया, गरीबों को पेंशन देंगे, एक करोड़ गरीबों को नौकरी देंगे, जाने वाले विकास करेंगे, जल्दी जल्दी आएंगे, ताजमहल के निसार साहब रुकिए एक सेकंड, वादे करने हैं ना तो मैं यहाँ खड़े रहकर बहुत बड़े बड़े वादे कर लूंगी, ठीक है, मैं आपको कल से सोने का पोडियम दूंगी, आपकी ये लाल टोपी जो है हीरो से जड़ दूंगी, आपके आपके पैरों में जो है मैं सोना बिछा दूंगी, वादे करने ना, नीचे मैं करती हूं वादे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो 2012 में वादे किए थे और सरकार पे आने के बाद 18 लैपटॉप बांटे, 56 लाख 18 लाख मैडम कुछ नहीं इन्होंने किया, केवल कमीशन कैसे बने, वित्तीय पेंशन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, पुलिस में भर्ती करी, हमने व्यापारी आयोग संकल्प पत्र में है कि व्यापारी आयोग बनाएंगे, जैसे पिछड़ा 1 लाख पिछड़ा बाकी मजदूरों को, एक मिनट हमारे संकल्प पत्र में है व्यापारी आयोग का, और वो आयोग ऐसा होगा जैसे SC ST और OBC का आयोग है, उसको पूर्ण अभी हमने संकल्प पत्र में दिया है, और व्यापारियों की समस्या के लिए हर वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा इनके साथ खड़े रहते हैं, आप पूछिए हमेशा इनके साथ में खड़े होंगे, तमाम सारी बता दें,
बातों पर यकीन नहीं। ये कांग्रेस और सपा के लोग क्या बताएंगे आपको, इधर पूछो ना जनता से। देखिए मैंने समाजवादी पार्टी की भी अपने टाइम में सरकार देखी है उत्तर प्रदेश में, मैंने कांग्रेस की टाइम की सरकार नहीं देखी, बीजेपी वालों की इस टाइम देख रहा हूं मैं। लेकिन जो सबसे बुरी गत मैं देख रहा हूं पुलिस प्रशासन की देख रहा हूं कि स्वयं भुक्तभोगी हूं कि यहां जब एक ये बात करते हैं कि भ्रष्टाचार हम मिटा देंगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए, हर कोई करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम एक एप्लीकेशन किसी सब इंस्पेक्टर को या किसी को भी देते हैं ना, तो उस पार्टी से भी पैसा उनको चाहिए और मुझसे भी पैसा ये चाहिए। ये व्यक्ति एक नाम लिखे बताए किस इंस्पेक्टर ने मारा, इंस्पेक्टर रहेगा नहीं, हाँ बताओ अभी, बताओ अभी इसी वक्त। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं ईमानदार, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ईमानदार पुलिस प्रशासन, रुक जाइए, मुझे लिख के एप्लीकेशन दीजिए अभी, विनम्र निवेदन है, मैं बता रहा हूँ आपको ना तुरंत, आप मैं बता रहा हूँ ना तुरंत अभी दीजिए, और जो अभी दो, जो मैं दो, मैं बिल्कुल लिखित से लेके मैं लिखित दूंगा आपको, लिखित मुझे दो, मुझको दो अभी, मैं रिटर्न में दे सकता हूँ आपको, यही से बात करूंगा कप्तान से, इसी वक्त आप देंगे। एबीपी न्यूज के मंच से आपको वादा कर रहे हैं, एबीपी न्यूज के मंच पर विधायक जी आपको वादा कर रहे हैं, अभी लिख के दें अब। मैम बीजेपी ने इतने सारे काम रोजगार खोले हैं जिससे युवाओं को बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है, युवा आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं को बहुत अच्छा काम देनू, रोजगार मिल रहे हैं, व्यापार रोजगार में बढ़ती हो रही है, युवाओं को जो आवश्यकता। अरे सवाल पूछिए ना, आप भाषण क्यों दे रहे हैं? अच्छा सवाल, तुम पे कुछ है, अगर अगर कांग्रेस अगर सरकार सत्ता में आती है तो 72,000 रुपए का चादर लाई है वो किस स्तर से बांटेगी? वो गरीब मामला, मैया मैं अपना काम कर लूं, अभी बताएंगे हम, बैठाओ मैया को बैठाओ, अभी लिख के देना, ये सपा की गुलामी कर रही है तो बात अलग है, लिख के देने को तैयार नहीं है कि कुछ नहीं करोगे। आप शांति से सीधा सवाल सुनिए प्यारी सी मैया, मेरा शो खत्म हो जाने दीजिए, ठीक है? अब सवाल मैम ये कह रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई हम नौकरी के लिए जाते हैं, मैम अगर कोई युवा नौकरी के लिए जाता है तो सबसे पहला उसका आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाता है, पर जो बंदे नेशनल लेवल पर जमानत पर छूटे हुए हैं नेशनल रेल केस में या किसी भी केस में, क्या उनको हम चुनाव के लिए वोट देते हो तुम? है प्रीता जी, ये सवाल आपके लिए है, प्रीता जी बहुत अहम सवाल, बहुत अहम सवाल है, एक युवा है जो सवाल प्रीता आपसे पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं अगर आपके ऊपर एक केस दर्ज हो, नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर लोग जो है वो बाहर हैं और वो बड़े बड़े चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए रीता जी, ये सवाल आपके लिए भी और विधायक जी उसके बाद आपके पास आ रही है। देखिए मुद्दा कोर्ट में है और आप जो बात उसको ट्विस्ट करके कह रहे हैं, सरकारी नौकरी बखूबी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी करते हुए आप समाज का काम भी कर सकते हैं, समाज के साथ जुड़ के भी रह सकते हैं और समाज को एक साथ लेकर चल भी सकते हैं। मेरा सवाल प्रीता हरि जी से है, वो आगरा शहर के पुराने 10 मोहल्लों के नाम बता दें, हम उनको स्वीकार कर लेंगे। अरे मुझे नहीं पता था कि लोकसभा का चुनाव इतना आसान है, अरे मुझे नहीं पता था कि लोकसभा 2019 का आगरा का चुनाव इतना आसान है कि आगरा के 10 मोहल्लों के नाम बोलने से ही आप मेरे को लोकसभा का चुनाव जिता देंगे। बता दीजिए बता भी देंगे, उसमें कौन सी बात है, आसान है प्रीता जी तो गिना दीजिए फिर। चलिए जगदीशपुरा, गोपालपुरा, मंटोला, चपेटी, फुलेटी, भाजपा के कैंडिडेट को पर्चा वापस ले लेना चाहिए। लोकसभा का चुनाव जीते, लोकसभा का चुनाव अगर 10 मोहल्लों को बताने से होता आगरा की सीट सुरक्षित है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है एसपी सिंह बघेल, किसी के सुख में कभी मैडम खड़ी हुई हो क्या, जरा ये भी बता दो, मेरन को आगरा में किसी के कष्ट में कभी आई हो क्या, ये भी बता दो मैडम, ओबीसी का कैंडिडेट कैसे उतर गया? किससे सवाल? बीजेपी से, बीजेपी से एसपी सीट पर ओबीसी कैंडिडेट कैसे है? मैम मैं कांग्रेस और सपा दोनों से पूछना चाहता हूँ कि भाई आप नेता हैं, युवा मोर्चा के नेता है, भाजपा के युवा मोर्चा के, अरे युवा है, आगरा के युवा है, बोल रहे युवा मोर्चा के पदाधिकारी है, आगरा के युवा है, नेताजी कहाँ चलेगा, शिकायत दे रहे थे गायब हुए तो शिकायत ही नहीं देंगे, कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री की मांग कर रहे हैं, क्या ये समर्थन देते हैं उनका? अलग प्रधानमंत्री की मांग हो रही है, अलग प्रधानमंत्री की मांग कर रहे हैं कश्मीर में,
आप समर्थन देते हैं प्रीता, आप समर्थन देते हैं? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री, इस देश में दो दो प्रधानमंत्री होने चाहिए। देखिए ये फैसला जनता करेगी, जनता जिसको बैठाएगी उसका प्रधानमंत्री बनेगा। अरे नहीं, कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री प्रीता जी, कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, कश्मीर भारत का हिस्सा है। राहुल गांधी तो उनका साथ दे रहे हैं, उमर अब्दुल्ला का, दोनों गठबंधन में है। देखिए कश्मीर भारत का दोनों गठबंधन में है, प्रधानमंत्री बनने का साथ नहीं दे रहे हैं। हाँ। जो ये मांग कर रहा है उसका साथ दे रहे हैं, मैं बता देती हूँ आपको। देखिए कश्मीर भारत पता का लगा राहुल गांधी कह रहे हैं हाँ तो आप भी यहाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है, कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा जो भारत का प्रधानमंत्री एक ही हो सकता है। भारत कहाँ से आ रहे हैं आप, ऑफिस से, कौन से ऑफिस से, फार्मास्यूटिकल कंपनी में? अच्छा एक मिनट, मेरी सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा सुन ले एक मिनट। मेरे को यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल हैं उनके लिए पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये मोदी चिल्ला रहे हो मोदी ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए आगरा में जो प्रत्याशी है बीजेपी का वो तीन कास्ट का है, सिकरवार, बहुत बढ़िया, बघेल और उसके बाद धनगर, ये समझ में नहीं आ रहा कि दलितों को किस तरीके से खड़ा जा रहा है, अब युवा जवाब दे रहा है, ये मेरा अब युवा जवाब देने लगा है। साहब रुकिए ना, आंदो दे दें, जवाब मैं भी दे दूं। हाँ सर जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, दलितों के साथ अन्याय, शांति से जवाब सुन जाना भैया। बघेल मैडम है, बघेलों में नीकर और धनगर दो होते हैं, गोत्र जाटों में भी सिकरवार होता है, ठाकुरों में भी होता है, बघेलों में भी होता है, गौतम ठाकुर में भी मिलेगा, ब्राह्मण में मिलेगा और जाटा समाज में भी मिलेगा। तो वो मैं बता रहा हूँ, और अगर वो कुछ गलत है तो चुनाव आयोग है, न्यायालय है, चले जाते हैं उनका खारिज करवा देते हैं, ये फर्जी बातें करने के लिए क्या आवश्यकता है, चुनाव आयोग है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, निर्णय आ जाने दो, हाई कोर्ट में निर्णय आ जाने दो, हाई कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे सर, हाई कोर्ट ऑलरेडी इनका प्रत्याशी भी धनगर पे चुनाव लड़ा था, इनका प्रत्याशी भी, इनका प्रत्याशी भी धनगर पे चुनाव लड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ पर अपना शो समाप्त करना है, आगरा की जनता के बीच सवालों को यहाँ इन नेताओं के सामने रखकर बड़ा आनंद आया। सीधा सवाल अब कल होगा मुलायम के गढ़ मैनपुरी से, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।